Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will teach you how to draw hibiscus flower step by step by pencil color. So see the full video. So let's get started. इस वीडियो में मैं आपको एक हिबिस्कस फ्लावर ड्रॉ करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले मैंने एक ऊपर का जो हिबिस्कस जो उड़हुल का जो ऊपर का लेयर होता है वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। बस स्लोली स्लोली ड्रॉ करना है दोस्तों। और एक बात और आप लोग से कहना है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरीके से आप ये फ्लावर बना सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं देखिए, अड़हुल का जो फूल है वह थोड़ा सा उसका जो पंखुड़ी होता है वह खिला होता है, इसलिए मैंने सबसे नीचे से स्टार्ट किया, उसके बाद ऊपर का लेयर बना रहा हूँ। आप जब भी कोई भी फूल या कोई भी सीनरी ड्रॉ कीजिए तो आप देखिए कि आप कौन सा चीज़ सबसे पहले बना सकते हैं, जिससे आगे वो कोई भी रॉन्ग ना हो, कोई भी गलती ना हो, जिससे आपका जो पेंटिंग और स्केचिंग है वह गलत हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे से स्टार्ट किया और उसको फिर ऊपर ले गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने राइट लेफ़्ट साइड मैंने फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप आराम से सही तरीके से आप पेंटिंग और स्केचिंग बना सकते हैं। इसी चीज़ को मैं रखते हुए मैं सारा पेंटिंग और स्केचिंग करता हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मैं अपने स्केचिंग को स्टार्ट करते हुए पूरा एंड तक उसको अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। तो मैं हमेशा यही चीज़ करता हूँ अपने पेंटिंग और स्केचिंग में। आप भी अगर बिगिनर्स हैं तो आप ये गलती न करें, आप पहले ऑब्जर्व करें आप पेंटिंग और स्केचिंग को, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट करें। ऐसा देखें ना कि आपको मतलब किस तरीके से आप इसे पूरा अच्छे तरीके से बना सकते हैं, आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं और एंड कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ से पेंटिंग और स्केचिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और एक बात, मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि मैं अगर आप लोग अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे अपना फ़ोटो भेज सकते हैं। मैं आपका जो पोर्ट्रेट है वह बनाकर आप दे दूँगा। उसका लिए जो भी प्राइस होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको एक से दो दिन के अंदर आपका जो पोर्ट्रेट है वो आपके घर तक पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा। यही बात बोलना था दोस्तों। और बाकी जो हिबिस्कस फ्लावर है आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद मैंने धीरे धीरे लिप्स को बनाना स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से आप देखिए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। आप अपने स्केचिंग और पेंटिंग में आप इसी तरीके के जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्केचिंग में। और सब चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करते हुए आप देखिए कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सो वीडियो को अभी देखें। येलो पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ। हल्के हल्के हाथों से आप सबसे पहले उसको शेडिंग करने का कोशिश कीजिए फ्रेंड।
मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी अपने कोई भी फ्लावर में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने येलो कलर से पूरा शेडिंग किया है जो इधर साइड में मैंने धीरे धीरे किया है। इसी तरीके से आप कोई भी फ्लावर में आराम से धीरे धीरे आप शेडिंग कर सकते हैं। मैंने येलो कलर का किया है तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले येलो इसलिए किया है क्योंकि मेरे को शेडिंग करना था। पहले मैं एक बैग रेड कलर या ऑरेंज कलर मैं नहीं चलाया क्योंकि अगर येलो कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो वो शेडिंग के लिए दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पर जहाँ पर येलो कलर किया है वहाँ पर मैं अभी रेड कलर से शेडिंग करने वाला हूँ। रेड कलर से शेडिंग करने वाला हूँ, आप लोग आगे देख सकते हैं, देखिएगा कि अब किस तरीके से मैं धीरे धीरे शेडिंग करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कीजिए फ्रेंड, ऑब्ज़र्व कीजिए मैं किस तरीके से पेंसिल को पकड़ा हूँ और किस तरीके से मैं ये स्केचिंग और ये जो ड्राइंग है मैं कर रहा हूँ। बस धीरे धीरे आपको ज़्यादा एकदम प्रेशर के साथ पेंसिल को नहीं पकड़ना है, एकदम आराम से धीरे धीरे आपको ड्रॉ करते जाना है जिससे आपका जो पूरा जो फ्लावर है वो अच्छे तरीके से आपको बन जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ जो हिबिस्कस का जो बीच का जो हिस्सा था उसमें मैंने पहले पिंक कलर किया, उसके बाद मैं स्काई ब्लू कलर से उसको शेडिंग किया हूँ और उसके बाद मैं एक रेड कलर से शेडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं हर फ्लावर में शेडिंग का टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ जिससे जो फ्लावर है वो थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का लगता है देखने में।
लीफ में मैं येलो कलर कर रहा हूँ फ्रेंड। येलो कलर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी लीफ में भी बहुत सारा पत्तों में शेडिंग रहता है पूरा। आप पत्ता को एकदम ग्रीन एकदम कर दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने ये जो पत्ता है वहाँ पर मैं येलो कलर किया हूँ। जो बीच का जो लेयर है वो उसको जो हिबिस्कस का जो बीच का लेयर है उसको मैं कर रहा हूँ ऑरेंज कलर। पर मैंने एक ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा हूँ और देखिए मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ हल्के हल्के हाथों से, जिससे एक नया लुक आ रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं धीरे 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 एक लीफ को ड्रॉ कर चुका हूँ। इसी टेक्निक्स का यूज़ किया मैंने, सबसे पहले येलो कलर यूज़ किया, उसके बाद ग्रीन कलर का यूज़ करते हुए मैंने एक लीफ ड्रॉ किया है दोस्तों। उसके बाद सेकंड लीफ में आप लोग देख सकते हैं कि फिर मैं येलो कलर कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप जब भी एक लीफ बनाते हैं ना तो उसको सबसे पहले येलो कलर से आप कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो लीफ है वो बहुत भी अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो इस तरीके से आप उसके बाद आप कोई भी ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं आप अपने फ्लावर में, या आप कोई भी पेड़ बना रहे हैं तो जहाँ पर येलो आप यूज़ करते हैं वहाँ एक थोड़ा सा रियल लुक आता है लीफ का, जो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। और उसके बाद मैं सारा लीफ को एक येलो कलर से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि सब में तो येलो कलर करना है ना दोस्तों। इसलिए मैं पहले येलो कलर सब में लीफ में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक शेडिंग करने वाला हूँ ग्रीन कलर से। सो मैंने लीफ को येलो कलर से कर दिया है। उसके बाद मैं तीन तरह का पेंसिल ले रहा हूँ, एक लाइट है, एक डार्क है, एक और थोड़ा डार्क ग्रीन है। सो देखें वीडियो को। Thank you.
मैंने ये हिबिस्कस फ्लावर को ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से शेडिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हुए मैंने फ्लावर के लीफ को और फ्लावर के पंखुड़ियों को मैंने ड्रॉ किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लगातार मेरे चैनल पर आता रहता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।